रिएक्शन है, क्या हुआ था पूरा बताइए। देखिए पहली बात तो ये जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहे वो दिखाते हैं। सच्चाई है जो भी वीडियो वायरल हुआ इसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो याद करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहां पर 2003 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली नेचुरल रिएक्शन है। यार क्या यार, देश के लिए उसको सुन नहीं सकते। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कमेंट्री खत्म करके निकल रहे थे तो लगातार इस तरफ से इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे थे, इसी के कारण तो रिएक्शन था। अगर आप गालियां देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियां देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाओ या कुछ ना बोलने चले जाओ, उस तरीके की तो व्यक्ति होती। सर क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, आप क्या कहना चाहूंगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए, जब आप मैच देखने आए तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, ठीक है। वहां पर कुछ पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने देश को सपोर्ट करिए, वहां पर हिंदुस्तानी क्राउड भी था, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करा रहे थे, इसमें क्या करा। मैच देखने आया ना, यहाँ पर तो पॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं होता, तो आप अच्छे आराम से सपोर्ट करते हैं। सर इसके अलावा भी और कुछ वहाँ से कमेंट्स आ रहे थे क्या? अरे भाई भैया माइक ऊपर क्या कर रहा तू? सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान खेले तो दोनों ही देश के क्लाउड्स को नहीं कहना चाहूंगा कि आप अपने देश को सपोर्ट करिए, किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी व्यक्ति को, ना उसके देश के बारे में कुछ गलत बोलिए ना कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए। ऐसा डाला गया कि मीडिया पे कि धोनी की आवाज आ रही थी उस पर आपने रिएक्ट किया, ऐसी बात चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है वो अपनी मर्जी से पोस्ट किया जाता है, माइक ध्यान दे दिखाया जाता है, जो मन करता है उस तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ तो कैप्चर होता नहीं है और सब कुछ तो दिखाया जाता नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर वहां पर इंडियन क्राउड था, वो अगर किसी को भी सपोर्ट कर रहा था, किसी के भी नारे लगा रहा था, तो मेरी तरफ से भी लगा रहा था। मैंने तो उन लोगों को याद किया था जिन लोगों ने मेरी तरफ या फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, मुझे वहां पर 3-4 लोग इस तरीके के खड़े थे, तो उससे आप मुझसे क्या सोच सकते हैं, कुछ ना बोला जाए। और बहुत ही कई बार हमने देखा कि इस तरीके की जब वीडियोज होती है तो कुछ जो शरारती तत्व होते हैं वो नीचे ऑडियो लगा देते हैं उसकी, ताकि पूरे छेड़खानी की जाती है। भाई माइक ऊपर करना है, उस तरीके से भी हरकत की जा सकती है। देखिए वो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि किस तरीके से वो हरकत की गई है, किस तरीके से वो हरकत की गई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ जो हुआ है उसी को इसी के चलते मैंने वो रियाक्ट किया। और अगर आगे भी कभी ऐसा होगा, अगर आगे भी कभी ये बोला जाएगा मेरे देश के प्रति, तो फिर ऑब्वियसली इसी तरीके का रिएक्शन होगी। बहुत ही आपको ऑफ ग्रिड इस तरह का हाथ रखी, आपने पूरी दुनिया में 10-15 साल क्रिकेट खेले, फैंस का रिएक्शन देखा, क्रिकेट पर कमेंट कर रहे, इस तरह नेशनलिज्म। तभी मैंने ये बोला कि जब मैं दोनों देशों के लिए ऊपर माइक, जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे हैं तो मैच देखिए, मैच को एंजॉय करिए, अपने देश को सपोर्ट करिए, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करिए, क्योंकि जीतेगा एक। लेकिन अगर आप इन इवेंट्स में भी पोलिटिसाइज करते हैं या देश के नारे लगाते हैं तो वो कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मेरी जगह वो भी पाकिस्तानी होता और अगर इंडियन क्राउड कुछ ऐसा करता तो वो भी इसी तरीके का जाता। गौतम सर आपने शिकायत की है किसी से इसकी? मेरा मैं शिकायत करने वाला व्यक्ति नहीं, और मेरा मानना है कि आगे आने वाले वक्त में शायद सिक्योरिटी इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है, ना कोई कॉमेंटेटर ना कोई। सर वैसे